Good morning, students. Today we will discuss about the side substituted compounds of benzene. Last time हमने nuclear substituted benzene के compounds किए थे. तो इसके अंदर अगर हम देखें तो टॉलमी से चलते हैं. अगर एक हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? बेंजाइल्स. यस, एक हाइड्रोजन और माइनस कर दिया जाए तो बेंजल. और अगर सभी हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए बेंजो. उसके बाद में कोई भी फंक्शन ग्रुप लग सकता है. तो आपको जैसे आर्थो मेटा पैरा लग किया था. आर्थो मीन्स 1 2, मेटा मीन्स 1 3, पैरा मीन्स 1 4. ऐसे ये बेंजाइल बेंजल बेंचों पे सीक्वेंस स्टार्ट करनी होगी. बेंजाइल का मतलब अभी एक हाइड्रोजन हटा दिया गया, बेंजल 2 हाइड्रोजन हटा दिए गए और बेंचो 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस, 2 हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड एंड ऑल द हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड फ्रॉम द टॉलमी. एंड द रिप्लेसमेंट बाय एन फंक्शन ग्रुप, कोई भी फंक्शन ग्रुप लाइक here CH2CN. तो क्या बना? बन गया बेंजाइल क्लोराइड. बट दिस इज द कॉमन नेम. ये कॉमन नेम है और यही ज्यादा चलता है. लेकिन कोई स्ट्रेस करे तो भाई इसका IPC नेम नहीं बताना है तो क्या बोलोगे? क्लोरोफिनाइल मीथेन. 1 कार्बन के साथ एक CN लगा है और एक फिनाइल ग्रुप लगा है, क्लोरोफिनाइल मीथेन. सिमिलरली बेंजाइल नाइट्राइड क्या लिखेंगे फिनाइल मिथेनॉल. बेंजाइल अमाइन है तो ऐसे केस में क्या नाम बन जाएगा? फिनाइल मिथेनामाइन. CN ग्रुप लग गया बेंजाइल साइनाइड. और IP सिस्टम 1 2 2 फिनाइल इथेनाइड बेंजाइल सल्फोनिक एसिड. इस टाइप से हमें कुछ आइडिया लग गया कि हमें क्या करना है. अब हम दो रिप्लेसमेंट करते हैं, बेंजल डाइक्लोराइड CHCl2 बेंजल डाइक्लोराइड और IPC नेम क्या बन जाएगा? डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन. सिमिलरली बेंजाल्डिहाइड. फिनाइल कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम नाम चलता है, यही नाम चलता है बेंजाल्डिहाइड. बेंजोइक एसिड कार्बन है, कार्बन कार्बन के पास हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक फंक्शन बेंजोइक एसिड. और अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, मिथाइल लगाया तो मिथाइल बेंजोइट, इथाइल लगाते मिथाइल बेंजोइट, फिनाइल लगाते फिनाइल बेंजोइट. दिस इज मिथाइल बेंजोइट. तो यह मैंने रोक के रखा हुआ था ताकि पहचान हो सके. इस केस में हम क्या कर रहे हैं? एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन रिप्लेस किया. देख रहे हो तो एक जैसा लगता है, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे फिनाइल हो, यहाँ पे फिनाइल हो. लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि सी डबल बॉन्ड हो बेंजीन न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है. तो ये कौन सा पोर्शन है? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पोर्शन है. ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पोर्शन तो ये कौन सा ग्रुप होगा? बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ R-ACE मिथाइल. जबकि यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है और ये किससे बना है? एसिटिक एसिड से. और इसी वजह से नाम क्या बना? फिनाइल एसिटेट. और IPSC में फिनाइल इथेनोएट. अगर हम OH हटा करके Cl लगाते हैं तो पता है एसिड क्लोराइड बेंजोइक क्लोराइड, जैसे इथेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड.
और अगर एनएच टू लगता है तो बेंजामाइट, बेंजोनाइट्रिल नाइट्रिल ग्रुप है। एंड हियर इज नाइस फिनाइल ग्रुप को क्या लेंगे, C6H5। तो क्या नाम बन जाएगा, बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड। अब कुछ और कंपाउंड करते हैं कार्बोक्सिलिक। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड 1-2 पोजीशन लगते हैं तो उस केस में इसका कॉमन नेम है थैलिक एसिड, pH is less silent। तो क्या प्रोनाउंसिएशन है, थैलिक एसिड। आई केस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेंजीन 1-2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे अगर मेटा पोजीशन पे है आइसोथैलिक एसिड, और आईपीएसी में बेंजीन 1-3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड। टेरिले बनाते हैं हम इससे, तो टेरिथैलिक एसिड। आईपीएसी में क्या नाम बन जाएगा, बेंजीन 1-4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब इन दोनों का कंपैरिजन क्या किया, हाइड्रोजन हट करके इथाइल ग्रुप लगा दिया, तो एस्टर ग्रुप एस्टर में क्या करते हैं, एक एसिड हटा करके एक लगाते हैं, इसलिए नाम बना डाइथाइल थैलेट। और अगर यहां से वाटर निकल जाए तो अनहाइड्राइड ग्रुप, थैलिक एनहाइड। और ये क्या बन गया, थैलीमाइट, क्योंकि थैलियामाइड को ये थैलियामाइड। और ये इमाइड कच्चा होना चाहिए। एसिटो फिनोल कीटोनिक ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप के साथ लगा है एसिटो फिनोल, और फिनाइल इथिनोन आईपीसी। अगर ये कंपाउंड हो तो कॉमन नेम क्या होना चाहिए, इथाइल फिनाइल कीटोन। और आईपीसी में 1-2-3 वन फिनाइल प्रोपेनोन, वहां पे प्रोपेन वन ऑफ में लिख सकते हो, वन फिनाइल वन प्रोपेन वन। नेक्स्ट बेंजोफिनोल, इनकी आयोडेक्टेस स्मेल होती है, मस्कुलर रेस्ट्रिक्शन के लिए फिनोल्स होते हैं, प्लस टू में आएगा। तो अभी तो आपको स्ट्रक्चर कंपाउंड के नाम की पहचान पता होनी चाहिए क्या है। तो अब हम मिक्स करते हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड और साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स, हम मिक्स करते हैं लाइक दिस वन पैरा नाइट्रो
एंजाइम एरोमेटो बेंजाइल अल्कोहल आईपीसी नेम लिखना हो तो क्या लिखेंगे 1, 2, 3, 4 नाइट्रोफिनाइल मिथेनॉल मेटाक्लोरो बेंजाइन अमाइन थ्री क्लोरोफिनाइल मिथेनामाइन आईपीसी टॉलुअल्डिहाइड 2-methyl बेंजाल्डिहाइड इसी तरह मेटाटॉलुअल्डिहाइड मेटानाइट्रो बेंजाल्डिहाइड एल्डिहाइड अमाइन कौन प्रायोरिटी ले रहा है एल्डिहाइड देन मेटा अमाइनो बेंजाल्डिहाइड मेटा अमाइनो बेंजाल्डिहाइड 3 अमाइनो बेंजाल्डिहाइड ऑर्थोटॉलिक एसिड 2-methyl बेंजोइक एसिड पेरटॉलिक एसिड ऐसे पैराक्लोरो बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड टेक्स प्रायोरिटी
मेटाफॉर्माइल बेंजोइक एसिड मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड थ्री नाइट्रो बेंजोइक एसिड एरामाइनो बेंजोइक एसिड देखिए जब ऑर्थो पोजीशन पे लग जाए तो ये क्रैम करना पड़ेगा एंथ्रा मिलिक एसिड एंथ्रा मिलिक एसिड एस्टर ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है और इस वजह से आरएच का नाम पहले मिथाइल अब मेटा नाइट्रो बेंजोइट मेटा नाइट्रो बेंजोइट ये हम देख चुके हैं एस्ट्रोफिनो इसके मेटा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप कीटोन टेक्स प्रायोरिटी मेटा अमाइनो एस्ट्रोफिनो मेटा नाइट्रो एस्ट्रोफिनो हमें काफी कुछ आइडिया लग रहा है हम कैसे मिक्स कर रहे हैं अब न्यूट्रल सब्स्टिट्यूटेड और साइक्लिक सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स को न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूट को हम मिक्स कर रहे हैं तो जस्ट आइडिया कंपाउंड तो कोई हो सकता है न्यूमरस कंपाउंड सर इसी ढंग से CN और CH तो हमें क्या पता है CN takes priority. तो हम क्या बोलेंगे मेटाफॉर्माइल बेंजो मेटाफॉर्माइल फिनाइलसाइनाइड और आईपीएसी में थ्री फॉर्माइल बेंजोनाइट एक और नई कैटेगरी कराने जा रहा हूं
जब भी कभी कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप किसमें होता है, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, जब भी कार्बोनाइल ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप लगा होगा तो उस केस में कॉमन सिस्टम में सैलिसाइड वर्ड जरूर आएगा। जब भी कार्बोनाइल ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप लगा होगा सैलिसाइड वर्ड जरूर आएगा। और OH के एल्डिहाइड जो सैलिसाइलिहाइड, कार्बोक्सिलिक सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलामाइड, सैलिसाइलेट, इस ढंग से नाम आएंगे। और वही मेटा पैरा पे तो फिर मेटा हाइड्रोक्सी पैरा हाइड्रोक्सी आ जाए, लाइक सैलिसाइलिहाइड। क्यों? ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा है। आई क्वेश्चन टू हाइड्रोक्सी बेंजीन है, उसमें कोई नहीं। सैलिसाइलिक सैलिसाइलामाइड इस ढंग से नाम है। यही अगर पैरा पे होगा, मेटा पे होगा, फिर नहीं। सी एच ओ ये पोजीशन चेंज की, लेकिन अब सैलिसाइल वर्ड नहीं है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। यही पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये हमें क्लियर हो गया कि सैलिसाइलिक कब है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जब सैलिसाइलिक एसिड जहां पे एसिटाइल ग्रुप लगा है, इसको एस्प्रिन कहते हैं। एंटीपायरेटिक भी है, फीवर डाउन करने के लिए जाने की है, पेन रिलीवर भी है, ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए काम आते हैं, और बहुत सारे काम है इसके। तो इसको हम ये नाम एक और भी देते हैं, ऑर्थो एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड और इसको कर लेंगे, एस्टर ग्रुप है सर, ये जब परफ्यूम पी है
इसको हम क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रेन। और यही अगर मिथाइल की जगह फिनाइल अच्छे सेलोन है, ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। अदरवाइज फिनाइल सल्फाइड कॉमन है, एक कॉमर्शियल नेम क्या है, सेलोन। इस ढंग से हमने एरोमेटिक्स यानी कि अरेंज के नेमिंग हमने कंप्लीट कर ली है, और आपके प्रायोरिटी टेस्ट में ये सारी नेमिंग आनी है, कॉमन आईपीएससी स्ट्रक्चर्स वगैरह अच्छी तरह पड़ेगा आपको। और अब इसकी अच्छी तरह तैयारी होनी चाहिए आपकी।